हाँ ठीक है ठीक है, रखता हूँ फोन। ए अपना थोटी जया है ना, चीना ताना के घर की इज्जत पे हाथ डाला है। देख क्या रहे हो तुम लोग, वो उनकी बेटी को लेके भाग गया। संतानम को शक है कि हमारे एरिया में है वो, हर गली चौराहे में ढूंढा है उसको। रात में चाहे जितना पी लो, हर गली चौराहे कोने में ढूंढो उसको। उस थोटी जया को पार्सल करके चीना ताना के घर पार्सल करना है। जहाँ कहीं भी वो छुपा हो ढूंढ के निकालेंगे उसको। ये बिल क्या चाहिए, पैसे चाहिए क्या? नहीं 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 कोई बात नहीं। ये लड़की कौन है? ये फोन करने आई क्या? है, फोन करने आई है। ए, 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 लड़के रुक रुक रुक, ए रुक, ए पकड़ो उसे। छोड़ेंगे नहीं। प्लीज मुझे जाने दो। ए चीना ताना की बेटी, थोटी जया, तू मेरे बारे में जानता ना, काटने वाला गजा। काटना मतलब या नहीं रे, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिर्फ इस एरिया में नहीं, जहां भी जाएगा, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तू कहीं भी जा, बच के नहीं निकल सकता मेरे हाथों से। ये मेरा इलाका है रे, एक मिनट के अंदर गाड़ी में बैठ जा। वही एक मिनट का टाइम मैं तुझे देता हूं, अपने आदमियों को लेकर यहां से चुपचाप निकल। अबे देखो, अबे देखो रे देखो, ये मुझे धमकी दे रहा है। मुझे मारेगा? मार 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 you
आइए वो अर्जेंटली मिलना बोल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम है? अरे यार भाई कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, हर बार जो लेता हूँ ना वो कौन है रे ये? भाई मैंने बुलाया है, मेरे पहचान वाले हैं, नाम है मुत्तू गणेश, कुछ प्रॉब्लम है, आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्या परेशानी है? कुछ नहीं भाई, हार्बर में लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है, इस बार भी मैं ही लूँगा, हर बार मुझे ही मिलता है, लेकिन इस बार एक है जो मुझे टॉर्चर कर रहा है, इसीलिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कौन टॉर्चर कर रहा है तुझे? चीना ताना नाम है। क्या बोला? रायबरम चीना ताना। सुन, तू जरा बाहर रुक। कमीने, चीना ताना से दुश्मनी लेने वाले को तू यहाँ लेकर आया है? मार डालूंगा, जा उसे समझा और बोल दे उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाए, वरना बेवजह मारा जाएगा, चल जा। ए, अगर तू पहले बताता कि तेरी प्रॉब्लम ये है तो तुझे यहाँ लेकर ही नहीं आता मैं। चीना ताना से दुश्मनी मत ले, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। तू तो कह रहा था कि ये बहुत बड़ा इंसान है। तू उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप भूल जा उसे। ए, तुम लोगों से नहीं हो रहा तो बोलो, मैं खुद कर लूंगा। देख यार, तू बेवजह मारा जाएगा, मेरी बात सुन ले। हेलो, संतानम बोल रहा हूँ, क्या नागो से मिलकर आ रहा है क्या? है तो कहीं भी जाएगा, पता लगा लेंगे तेरा। हाँ मैं गया, मिला और बात भी किया, तू क्या कर लेगा बे? है बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। ए, मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा, कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा और हर बार मेरे हाथ में होगा, समझा? ए, जरा साउंड कम कर। ए अल्बर्ट, तू अभी तक यहाँ नहीं आया, क्या कर रहा है? चीना ताना से दुश्मनी मोल मत ले, वो बहुत ही खतरनाक है, कुछ दिनों के लिए तू पार्टी वगैरह मत कर। चीना ताना से दुश्मनी नहीं, उससे जीत भी गया, हार्बर अब मेरे हाथ में आ चुका है, अब मैं देखता हूँ वो मेरा क्या कर लेता है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब तुझे बहुत ही चौंकना रहना है। मुझे जहाँ तक जानकारी है उससे दुश्मनी लेने वाला अब तक जिंदा नहीं बचा है, तूने उससे दुश्मनी करके वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में नहीं जाएगा तब तक तुझे खतरा है। ए, क्या कर लेगा वो? ज्यादा से ज्यादा 10 आदमियों को भेज के धमकी देगा। धमकी देने वाले 10 है लेकिन मारने वाला सिर्फ एक है, नाम है थोटी जया। कौन है? मुत्तू गणेश कौन है? क्यों? मुत्तू गणेश कौन है? क्यों? मुत्तू गणेश कौन है? ए, कौन है तू? मुत्तू गणेश कौन है? ये पूछने वाला तू कौन होता है? मुत्तू गणेश कौन है? वही मैं तुझसे पूछ रहा हूं ना, मुत्तू गणेश कौन है? बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहा है? कौन है तू? मुत्तू गणेश कौन है? मुत्तू गणेश कौन है? कौन है रे तू? हे, पागल है क्या? मुत्तू गणेश कौन है? इट्स मी, मैं हूं मुत्तू गणेश, क्या चाहिए मैं तुझे? निकलो यहां से, चलो।
सर गुड मॉर्निंग सर। लोकेशन सर, स्पॉट पे जा रहा हूँ सर। स्पॉट पे जाने के बजाय क्या कर रहे हो तुम लोग? घास छील रहे थे। सॉरी सर, जाओ ना। अगले 5 मिनट में स्पॉट पर रहूंगा सर। क्या कर रहे हो जाकर? हाथ से कब हो, कब जा रहे हो? मामला क्या? पूछताछ किया? प्रॉब्लम क्या थी? जिंदा है या मर गया? कुछ पता है क्या? मुत्तु गणेश, उम्र 32 साल, चीफ सिक्योरिटी गार्ड का रिश्तेदार है। दोस्तों के साथ जब ड्राइविंग में था तो उस पर अटैक किया गया, फ्यूचरली इंजर्ड, बहुत खून बह गया है। पेशेंट की हालत नाजुक है, अभी जीएस अपोलो लेके जा रहे हैं सर। प्रॉब्लम क्या? अकेला आदमी है या कोई गैंग है? क्या चार्ज है, क्या मोटिव है, एक्यूज कौन है, कौन था वो? टोटी जया सर। कौन है टोटी जया? अच्छी तरह से पता है? हाँ सर, कांस्टेबल कृष्णन ने बताया। कांस्टेबल कृष्णन? यस सर। इधर आइए आप। सर को बताइए। सर? हाँ सर, उसकी लंबी दाढ़ी थी, ब्लैक एंड व्हाइट पहना था, अकेले आदमी ने अटैक किया, उस पर जानलेवा हमला किया है सर। ये विटनेस स्टेटमेंट है सर। एक्यूज्ड कंफर्म थोटी जया है सर। देखो वो चीना ताना का आदमी है, मुसीबत बढ़ती जा रही है। जो मौत से लड़ रहा है वो चीफ सेक्रेटरी का रिश्तेदार है। कातिल को जल्दी अरेस्ट करने के लिए सीएम साहब का ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्या करूं? एक तरफ चीना ताना है, व्हाट टू डू? सर एक छोटा सा सजेशन है। हाँ बोलो। सर आप चीना ताना से एक बार मिलकर सिचुएशन के बारे में समझाइए, उन्हें कन्विंस करेंगे तो थोड़ी जगह को हम आसानी से अरेस्ट कर सकते हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी सर। ओके, आप डीसी को फोन करके स्पॉट पे आने के लिए बोलो, वहाँ से सीधा चीना ताना के घर जाते हैं। ए, तू मेरे सामने अपनी औकात मत दिखाना। ए, टकलो! क्या है? बहुत दिनों के बाद हाथ में आया है। हाथ में आया है क्या? अगर आया है तो मार डालो उसे। लेके जा। ले चल रहे इसको, तेरे तो छोड़ेगा नहीं इसे। भागता रहता है, हमारी नजरों से बच के भागेगा। बोला था लैंड की रजिस्ट्री कर दे, लेकिन तू बहुत ईमानदार बनता है ना। ज्यादा ईमानदार जो लोग होते हैं ना उनकी यही हालत होती है। गाड़ दे जमीन में। क्या रिटायर? नमस्ते साहब। सुबह ही पीना शुरू कर दिया क्या? नहीं सर। भाई अंदर है क्या? अंदर 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 सब। ए, इसे अंदर दफना दो, इसका सर देखना चाहिए, बाकी सब पैक कर दो। सर, दफना सर, सर मुझे पैसा वगैरह नहीं चाहिए सर, आप जहां कहोगे साइन कर दूंगा सर। सर सर भाई कमिश्नर आए। भाई कमिश्नर मिलना चाहते हैं आपसे। परमा शिवम का क्या हुआ? भाई वो राजी हो गए भाई। अरे ये क्या बच्चों, अब तक खाना नहीं खाया? सुनिए आपसे मिलने के लिए कमिश्नर आए हैं। वो लैंड इसके नाम पर रजिस्टर्ड कर देना। जी भाई। सर चीनतन आ रहा है। हा? कैसे हैं कमिश्नर सर? सर वो थोटी जय के मामले में मुझे पता है, एक्यूज्ड भाग गया है, ये डालकर केस को कंटिन्यू करो। सर लगता है लड़का मर जाएगा। मर जाने दो, तभी चीना ताना के पावर के बारे में पता चलेगा। सर जो घायल पड़ा है वो चीफ सिक्योरिटी का रिलेटिव है सर, एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने के लिए सीएम का प्रेशर है सर। सीएम सर का प्रेशर है, वो मैं देख लूंगा। सर सब ठीक हो जाएगा। ए संतानम भाई, कहाँ है थोटी जया? कल तूने जिसे उठाया था वो कोई चीफ सिक्योरिटी का रिलेटिव है। जब तू उसको मार रहा था तब किसी ने तुझे देखा है, इसलिए कोई और रास्ता नहीं है। तुझे अरेस्ट करने के लिए यहां पर खुद कमिश्नर आया था। अभी क्या मुझे अंदर जाना पड़ेगा? तू अंदर चला गया तो यहां काम कौन करेगा? केस को मैं संभालता हूं, अभी कुछ दिनों के लिए तू कहीं पर छिप जा, फिलहाल यही सही रहेगा।
क्या धंधा है जया? हैं? मारपीट करना, फिर कहीं जाके छुप जाना, ये मैं तुम्हारी उम्र में क्या करता था? तब मुझे उस्ताद कह के बुलाते थे, लेकिन अब उम्र ढल गई, रिटायर्ड हो गया, ऐसा बोलते हैं जैसे कलेक्टर ऑफिस में काम करता था। लेकिन जया, जब कोई कलेक्टर रिटायर्ड होता है ना, उसे पेंशन मिलती है, मरेगा तो पैसा मिलता है, मैं मरूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, रोने वाले भी नहीं होंगे जया, लावारिश लाश की तरह। लेकिन जया, मैं मर जाऊंगा तो तू मेरी चिता को आग देना जया। मैं रो नहीं रहा हूं जया, कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, मैं चुप हूं, चुप हूं, चुप हूं। हाँ, मैं कैसे बकबक कर रहा हूं यही सोच रहा है ना, आज थोड़ी ज्यादा हो गई है ना मुझे। अब थोड़ी चढ़ जाती है तो आदमी ज्यादा बोलता ही है ना जया। तू पीने से मना कर रहा है ना जया? नहीं छोड़ पा रहा हूँ जया, नहीं छोड़ पा रहा हूँ, नहीं छोड़ पा रहा हूँ। क्या मेरे बाल बच्चे हैं जया, मेरा परिवार है क्या, जो मैं उनके साथ खुश रहता? अकेला इंसान हूँ, उम्र ढल गई, जवानी बीत गई, जिंदगी खत्म हो गई, सब कुछ चला गया जया। तू, मैं यहीं सो जाता हूँ, तू जा जया, मैं यहीं सो जा। बहुत मजा आया है ना। चल चल जल्दी चल। बोलिए जी, बोलिए। उस दुकान में देख, चल 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 चल। हाँ। ए, ये अच्छा है ना? How much is this, sir? 125 क्या मैडम? ए, ये देख। ये 350। And that one? 265। ये अच्छा है। Make it 100 rupees, sir. फिक्स रेट है मैडम, मोल भाव नहीं होगा। और एक्सचेंज? हाँ, एक्सचेंज हो जाएगा। ए, चेंज है क्या तेरे पास? हाँ है ना? कितना? 25 rupees. ये ले। लेट हो गया है, चलो चलो, कम ऑन। रोजी, वृंदा, चलो जल्दी। हाँ चल चल। ए दिव्या, रुकना मेरे लिए। हाँ मामा, आ रहा, मैं यही हूँ। कितना मजा आया ना यहाँ पर, हम इस शहर को कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ रोजी। हाँ सिस्टर, वो बैलेंस टिकट कहाँ है बेटी? वो मेरे पास ही है सिस्टर, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? इसी में तो रखा था मैंने। अब कहीं मैं दुकान पर तो नहीं भुलाई? ए, मैं अभी आती हूँ। हाँ We'll be right back.
आप ये देखिए मैडम। सर सर मैं अपना पर्स यहाँ भूल गई थी शायद। मैंने यहाँ कोई पर्स नहीं देखा मैडम। ये 25 रुपए का है। सर सर कुछ देर पहले मैंने नहीं देखा। हाँ चटू ये ले। अरे ट्रेन तो छूट रही है। फोन करो। अच्छा ट्रेन जा रही है सर, प्लीज। আপনার কি অসুবিধা হয়েছে? স্যার স্যার আপনি क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा। বাংলা জানেন না? এই মানিক বাবু এদিকে এসো। বলিয়ে দাদা। জিজ্ঞেস করো কি হয়েছে? क्या मैडम बाहर से आई हो? क्या प्रॉब्लम है? कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन मिस कर दी। मैं स्टूडेंट हूं। फ्रेंड्स और प्रोफेसर प्रोफेसर सभी चले गए। प्लीज प्लीज ट्रेन को रोक दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। सर इसकी कन्याकुमारी की ट्रेन छूट गई है सर। इसके फ्रेंड सामान सब उसी ट्रेन में। अभी क्या करें बोलिए, दिक्कत तो है। एक बार हमरा ट्रेन अटकाते पारबो ना, उनके बोले दो टैक्सी करे पोरे स्टेशन के ट्रेन ता धरिन जो पार। देखिए ट्रेन तो गई, अगले स्टेशन पे टैक्सी से जाइए। सामने ही टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी वाले को बोलिए कि ट्रेन पकड़ लिए, वो पहुंचा देगा। अरे सर मुझे तो यहां के बारे में कुछ भी नहीं पता सर। सर मेरे पास पैसे भी नहीं है, अगर मुझे अगले स्टेशन तक पहुंचा देंगे तो मैं ट्रेन में चली जाऊंगी सर। पैसा भी नहीं है क्या? प्लीज प्लीज सर, इनके पास पैसे नहीं है सर, क्या करना है? तो जाओ सहायता करो। ठीक है जाता हूँ, आइए। सर यहाँ से और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर है, यहीं पे। भाई सुनो, उन्हें ट्रेन छूटे गए, खड़गपुरे गए, ट्रेन टाके धराते होबे। एखान थेके खड़गपुरे भाड़ा कत जानो तुमी? जाई होक उन्हें असुविधा आछेन, ओखाने गिए पड़े तुमाके टाका दिते पारबे। দাদা গাড়ি একটু আগে নিয়ে আসুন। আচ্ছা শোন, জিকে ভিতরে আছে? আছে আছে। সনি সনি আমি পেট্রোল ডলবানি কা টাইম নেই হ্যায়, মুঝে 1 মিনিট আমি আসছি। সনি সনি ये क्या, मुझे पहले छोड़ दीजिए प्लीज। लाओ ना बेटा, अपने टैक्सी से चले जाओ, जाओ। मुझे डर लग रहा है प्लीज, मेरे पास टाइम ही नहीं, मुझे जल्दी पहुंचना है। মধুসূদন লেন যেতে হবে, সেখানেই যেতে হবে। তো সেখানেই যেতে হবে, কোনো সমস্যা হবে না। স্যার স্যার গাড়ি কহাঁ যা রহি হ্যায়? স্যার ইয়ে তো রেলওয়ে স্টেশন জেসা নাহি লাগ রাহা হ্যায়, মুঝে কহাঁ লে যা রহে হ্যায়, বোলিয়ে না স্যার, কুছ তো বোলিয়ে স্যার, কহাঁ লে যা রহে হ্যায় মুঝে। रेलवे स्टेशन जाने की बात हुई थी, क्यों क्यों बाहर आए? आए बाहर आए, चल क्या है? तुम रहने जाओ, भीतर जाओ, जाओ।
क्या प्रॉब्लम है? ये अमर बहू जी जानिश माथा खराब हो गई थी जो है नहीं पूजा ये झूठ बोल रहे मैं सच में कन्याकुमारी की रोना बंद करो बोलो ना रोना बंद करो क्या हुआ है मैंने ट्रेन मिस कर दी कॉलेज स्टूडेंट हूँ प्लीज मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है कन्याकुमारी की ठीक है अभी क्या करना है अगला स्टेशन खड़गपुर है अगर मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो ट्रेन पकड़ पाऊंगी प्लीज ठीक है चलो सुनिए कन्याकुमारी की ट्रेन चली गई क्या है शटा तो चले गए थे कन्याकुमारी एक्सप्रेस शटा ही तो मैं बोल चीट से ऑलरेडी गॉन ट्रेन तो चली गई
नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी? ट्रेन एक मिनट, निश्चय आश्वे वो ट्रेन कन्याकुमारी। यस यस, दैट विल गो टू कन्याकुमारी। एक टिकट 380 टका। कितना रुपया? 380 रुपीस। डरो मत, हिम्मत से जाना, अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। ये लो तुम्हारा टिकट, संभाल के रखना। ये लो, कुछ पैसे खर्चे के लिए रखना। अरे पकड़ो। अकेले जाने में डर लग रहा है। आप मेरे साथ गांव तक आ सकते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज मेहरबानी करके आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज ट्रेन छूट रही है, जल्दी कीजिए प्लीज। मुझे यहाँ की ना भाषा पता है ना कुछ, प्लीज मेरे साथ चलिए। ट्रेन छूट रही है, प्लीज प्लीज चलिए ना, प्लीज प्लीज अंदर आ जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। दो चाय। फोन करना है क्या? हाँ ठीक है, जाओ।
दो पानी की बोतल देना। मैडम 30 रुपए की चूड़ी है मैडम, ले लीजिए ना मैडम, मैडम ले लीजिए ना, बहुत अच्छा है, कम भाव में दे दूंगा मैम, ले लीजिए ना प्लीज मैडम, प्लीज मैडम 30 रुपए की है मैडम, मैडम मैडम ये कलर आप पे बहुत अच्छा लगेगा मैडम, एक बार लेकर तो देखिए, एक बार ट्राई तो कीजिए आप मैडम, मैडम प्लीज मैडम, प्लीज मैडम एक बार देखिए तो मैडम, एक बार देखिए तो आप मैडम, मैडम साहब जी देखिए ना सर 20 रुपए का है, आप इनको लेकर दे दीजिए ना, मैम साहब के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, आप लेकर दे दीजिए ना। हेलो, दो खाना देना। ऑटो या टैक्सी में बैठूंगी? पास में ही जाना है, ऑटो से चलते हैं ना। मैं क्यों आऊं, तुम जाओ ना। अरे आप इतनी दूर तक आए, घर तक भी नहीं आएंगे? नहीं नहीं रहने दो, तुम जाओ। अरे नहीं नहीं प्लीज, ऐसे स्टेशन तक छोड़कर मत जाइए, आपको मेरे घर चलना ही होगा, मेरी माँ से मिलना होगा, फिर मेरी प्रिंसिपल से, और फिर मेरी फ्रेंड से, सबसे मिलवाऊंगी, मैंने तो ये सब पहले ही सोच कर रखा है, और आप यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, कम से कम मेरे घर तक तो चलिए ना। आप यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। कम से कम साथ में एक चाय तो पी लीजिए। दो चाय। चाय नहीं पी? आपसे
कुछ कह सकती हूँ मैं? कैसे बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। लोग छोटी सी भी हेल्प करते हैं तो बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं। आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की और बदले में मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं रखी। आज की दुनिया में ऐसा कौन करता है? और आप जाने की बात कर रहे हैं। अगर आप वहां नहीं मिलते तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसी बातें तो हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ और रोती हूँ। कहीं वही मेरे साथ हो जाता, ये सोच सोच कर डर लग रहा है। थैंक यू सो मच। देखो तुम अपने गांव आ गई ना, अब कोई डर नहीं है। अब खुशी खुशी अपने घर चली जाओ। आपसे थोड़ी देर और बात कर सकती हूँ प्लीज? बस 5 मिनट ही। 1500 किलोमीटर आपके साथ सफर करके आई और आपने बेवजह की कोई बात नहीं की, मेरी तरफ देखा तक नहीं। सच बोल रही हूँ, आप जैसे इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, अभी तुम क्या बोलना चाहती हो? जानते हैं, एक लड़की किसी भी लड़के से बस इतना चाहती है कि वो उसके साथ सेफ महसूस करे, उस पर विश्वास कर सके। इन 2 दिनों में मैंने आपके साथ वही महसूस किया है। मैं ये जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, ऐसा कोई किसी के लिए नहीं करता। और आप जैसे इंसान को कैसे, मैं कैसे कैसे खो सकती हूँ? संभाल के अपने घर जाओ। नागरकोली 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 बस स्टैंड उतरा, सब लोग उतरा जल्दी, नागरकोली जल्दी चला। सर आपको क्या चाहिए? 2 चाय देना। सर दूसरी किसके लिए? मैंने तो एक ही चाय बोली थी। पहले आपने 2 बोली थी, अभी 1 बोल रहे हैं। सुबह चढ़ा लिया क्या सर? ये लो पैसे। ऐसा पहले बोलना चाहिए था ना। आप ऐसे स्टेशन से वापस चले जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक लड़की किसी भी लड़के से बस इतना चाहती है कि वो उसके साथ सेफ महसूस करे, उस पर विश्वास कर सके। इन 2 दिनों में मैंने आपके साथ यही महसूस किया है। जैसे इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आपने मेरी बहुत मदद की, मैं आपको कैसे कैसे खो दूं? हेलो, मैं थोटी जया बोल रहा हूँ। थोटी जया, मैं विक्टर बोल रहा हूँ। अरे तू कहाँ है, कहाँ से बात कर रहा है? अरे कर क्या रहा है, एक
कॉल नहीं, फोन नहीं। यहाँ पे क्या हुआ पता है? तूने उस दिन एक आदमी को मारा था ना, उसने चीना ताना को पैसे दे करके ना कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है, सब कुछ। केस वापस हो गया, कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। तू वहाँ से जल्दी वापस आ जा, बहुत काम है। बस से आ रहा है कि कार में आ रहा है? ए, मैं आ रहा हूँ, चलो। आ रहा हूँ। अरे सुना, अरे हेलो। अरे अच्छा, वो अच्छा अच्छा अच्छा, बस स्टैंड पे है क्या? मुझे भी आना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, आता हूँ आता हूँ। उसने बस स्टैंड पे बुलाया है, जबरदस्ती करना जाना पड़ेगा। ए, बस को रोको, बस को रोको, चलो चलो कन्याकुमारी कन्याकुमारी कन्याकुमारी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो अंदर चलो, कन्याकुमारी कन्याकुमारी, ए कन्याकुमारी जा रहा है क्या? चलो 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 अंदर आ जाओ। ए चश्मे वाली बहन साहब, ए ए हाँ 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 बाप, कन्याकुमारी जाना है क्या? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। ए ड्राइवर ड्राइवर, पैसेंजर नहीं बैठा रहा है क्या तुझे? हाँ, आगे लेके जा रहा है गाड़ी, समझ में नहीं आता है क्या? ए तू सबको छेड़ रहा है ना, कोई तुझे बुरी तरह से धोने वाला है। अरे चल जा रहे यार, चलो कन्याकुमारी 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 भाई, कन्याकुमारी कन्याकुमारी वाले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कन्याकुमारी कन्याकुमारी आ जाओ आ जाओ, बस निकलने वाली भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ, कन्याकुमारी 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 वाले, ए काला शर्ट, कन्याकुमारी जाना है क्या? तुझसे ही पूछ रहा हूँ, कन्याकुमारी जाना है क्या? आजा 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 आजा। अबे तेरी तो कन्याकुमारी 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 कन्याकुमारी, आजा 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 भाई, कन्याकुमारी बचा रही है, चलो चलो कन्याकुमारी। क्या भाई, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था तब तो तू चढ़ा नहीं, अब जब बस चल निकली तो दौड़ के चल रहा है। अगर गलती से स्लिप हो गया ना तो नौकरी चली जाएगी अपनी। मैंने एकदम क्लियरली बोला था काला शर्ट जलेगा क्या है? दिमाग खराब कर देता है। कन्याकुमारी जाना ना, चिल्लर निकाल के रख। मुझे विश्वास था कि हमारी दोस्ती सिर्फ ट्रेन के सफर में ही खत्म नहीं होने वाली, लेकिन आपसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी ये नहीं सोचा था मैंने। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी बात करोगी। अचानक तुमने ऐसा क्यों बोला? मुझे आप पसंद आए तो बताने का मन किया, बता दिया, पर बोलने से पहले मैंने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा, जो महसूस किया वो कह दिया। लेकिन इतना काफी नहीं है? काफी है। नहीं काफी। काफी है। नहीं काफी नहीं है। काफी है। काफी नहीं है। नहीं काफी है। क्या काफी है, क्या काफी है? मेरा नाम तुम्हें पता है क्या? हाँ, थोटी जया। नाम जैसा लग नहीं रहा है ना, ऐसे ही बुलाते हैं मुझे। जय चंद्रन से मैं थोटी जाया कैसे बन गया ये मुझे भी नहीं पता चला। आज तक मुझे किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी। 8 साल की उम्र में ट्राउजर पहनकर मैं 18 घंटे काम करता था, और वो भी सिर्फ 3 वक्त के खाने के लिए। अचानक मैंने एक आदमी को मारा, पैसों के लिए मारा, और फिर वही मेरा धंधा बन गया, लोगों को मारना। अब यही मेरी जिंदगी है।
अब मैं पसंद नहीं हूं ना, अब पसंद नहीं आएगा तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे पहले ही बोल रहा था कि ये काफी नहीं है, काफी नहीं है। ये सब मुझे तुमको बताने का मन किया, इसलिए मैं यहां पर आया तुम्हें बताने के लिए। ठीक है, मैं निकलता हूं, बाय। हाँ नहीं, मुझे लगा तुमने आवाज दी, सॉरी। जयाचंद्रन, तुम पसंद हो। माँ ने कुछ लिख कर रखा है, माँ ने लिखा है कि वो स्कूल गई है, चलो चलकर मिलते हैं हम, चलोगे ना? माँ यही मुझे लेकर आए थे। धन्यवाद बेटा। माँ अंदर कुछ चल रहा है क्या? क्या? मैं अभी देखती हूँ। कर लो, मुझे तो सारी शर्ट्स पसंद है, तुम्हें जो पसंद हो वो ले लो। ओफो, मुझे पता ही था। सर, आप वृंदा मैडम से मिलने आए हैं क्या? आज वो आई नहीं है, उन्होंने आपको घर पे आने के लिए कहा है। कितना हुआ? 45 रुपए साहब। वेट करना, मैं अभी आता हूं। ठीक है। सॉरी जया, अर्जेंटली चेन्नई जाना पड़ा। तुम भी चेन्नई आ जाओ और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, 9841025220। बस स्टैंड चलना। जी साहब। ए, वो चला गया, आजा आजा आजा, चल चल चल, आजा आजा आजा, चल चल चल, जल्दी कर, चल चल जल्दी आ, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, चल जल्दी कर, जल्दी कर, ले क्या, ले क्या, चल बेटा बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो, अरे अंदर डाल दे सबको, चलो चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, चल चल बैठ ना। चेन्नई जाने के लिए अगली बस? अभी एक बस रेडी है लेकिन लास्ट सीट है, चलेगा? हाँ, क्या चलेगा।
मगी सुशी चलो। कन्याकुमारी बस से बाहर निकल गया भाई, कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएगा। बस स्टैंड से वो जिंदा वापस ना आने पाए। खत्म कर दो उसे। इधर आ रहे। बॉस बस निकल चुकी है। हे इधर आ। हे शिवा इधर आ। ओके जय आ गया, मिस नहीं होना चाहिए। तूने मिस किया तो ये, इसने मिस किया तो ये, जय शिवा सबने मिस किया तो तू। जा वेट कर यार। कितना वेट? अरे वेट कर, वेट कर। हेलो, एक छोटा सा मैटर है भाई। बोल। गुस्सा मत कीजिएगा भाई, जया को मारना है तो मार देंगे, लेकिन बेचारा 15 साल से हमारे साथ रहा है। वृंदा का मैटर हमें पता नहीं था भाई, और इस बारे में जया से जानना मुश्किल है। जया को समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। भाई छोड़ देते हैं उसे। भाई भाई ठीक है, छोड़ दे उसे। हे रुक जा। क्या बोल रहा है? सबको रोक दे। आजा टूटी जया, मैं अचानक कैसे आया सोच रहा है क्या? जरूरी बात करनी थी, अकेले में बात करनी है। चल गाड़ी में बैठ। आजा ना जया। कन्याकुमारी गया था क्या? अभी तुझे क्या चाहिए? किसी से प्यार करता है? भूल जाओ उसे जया। क्यों? मेरी बात मान, छोड़ दे उसे। वो किसकी बेटी है पता है? चीना ताना की बेटी है वो। शौक लगा ना तुझे, हमें भी लगा था पता चलने पर। उस गांव में उसका एक और परिवार है, पहली बीवी है ना उनकी बेटी है ये वृंदा, इकलौती बेटी। फिर यहां आकर ये शादी करके सेटल हो गए। अब वहां आना जाना नहीं है, लेकिन मदद करते रहते हैं। देख जया, बस से उतरते तुझे खत्म करने के लिए बोला था, तुझे मारने आए थे हम। लेकिन मैंने भाई को समझाया कि उसने अनजाने में किया होगा, बात कीजिए समझ जाएगा। अभी तक तो रोका है, आगे नहीं जानता। वृंदा को क्या? कुछ नहीं। ठीक है जाने दे, पता होता तो करता ही क्यों, भूल जाओ उसे। मैं फोन लगा के देता हूँ भाई को, बोल दे तुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। भाई बहुत गुस्से में है। चुप रहे अभी।
भाई संतानम बोल रहा हूँ। बोल। टोटी जी आपसे बात करना चाहता है। करवा बात उससे। कराता भाई। आज तक मैंने बिना कोई सवाल किए बहुत से लोगों को मारा है। अब आपकी बेटी से मुझे जाने अनजाने प्यार हो गया है और आपने इसकी वजह जाने बिना मुझे मारने के लिए अपने आदमी भेजे। अभी सेंटीमेंट की बातें मत कर। अब तो तुझे सब पता चल गया ना। भूल जा सब कुछ। देखो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बीच में टांग मत अड़ाना। मैं हूँ इसीलिए तू अभी तक जिंदा है, वरना मुझसे बात नहीं कर रहा होता, मर चुका होता। मैं जानता हूं मेरी मौत अभी नहीं लिखी है और तुम मुझे नहीं मिटा सकते। मिटा के दिखाता हूं तुझे। अगर मर्द है तो ऐसा करके दिखा। तेरी धोखेबाज कमीने, मेरा जूता खाकर मुझे ही आंखें दिखाता है तुझे तो। हमने तो उसमें दया किया, तूने भाई से ऊंची आवाज में बात की। तेज चलो और तेज चलो, पकड़ दो उसे, पकड़ दो उसे, छोड़ना नहीं है, और तेज चला, उसको छोड़ेंगे नहीं, जिंदा छोड़ेंगे नहीं। भाई कहाँ है तू? भाई वो बच गया। भाई उसकी तो मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैं कह रहा था कि उसे खत्म कर दे। तूने उसका सपोर्ट किया था, अभी जा उसका पीछा कर और मार डाल उसे। जा कन्या रोड पे जा रहा, उसे पकड़ लूंगा। भाई ज्यादा बात मत कर, अगर तूने उसे छोड़ दिया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचेगा नहीं वो। छोड़ दीजिए प्लीज, मेरी मदद की थी तो मुझे अच्छा लगा, इसने उससे प्यार किया। 15 सालों से तो आपने हमसे कोई रिश्ता नहीं निभाया, आज अचानक इतना प्यार क्यों मर रहा है मुझ पर? ये प्यार नहीं है, वो कल ही खत्म हो गया, ये कुछ और है। ये बात तुझे नहीं समझ में आएगी। पावर, अधिकार, मुझे इसकी जरूरत है। थोटी जिया मेरे खिलाफ खड़ा है, उसे मरना होगा। संतानम कहाँ है तू? पीछा कर रहा हूँ भाई। वो किस तरफ जा रहा है? एरिया के लड़कों को बता दे, वो बचना नहीं चाहिए, मार डाल उसे, मार। तेरी तो, अबे जल्दी चला, अबे जल्दी चला, फास्ट और फास्ट, अरे जल्दी चला, आगे भाग रहा मेरे। वो ब्यासर बाड़ी पार नहीं होना चाहिए। अरे जल्दी चल रे। भाई भाई रायपुरम क्रॉस कर रहा है। उसे छोड़ना मत। संतानम अगर तूने उसे छोड़ दिया। भाई काशी मीट में आ गया है। काशी मीट में आ गया, छोड़ना मत उसे, जा 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 जल्दी जा, पकड़ उसे मार। भाई वो अपने एरिया के अंदर आ गया। भाई क्या बोल रहा है तू, अपने एरिया में? हाँ भाई अपने एरिया में आ गया। भाई भाई अपनी गली में आ रहा। भाई अपनी गली में? संतानम क्या कह रहा है तू? भाई वो तो आपके घर की तरफ जा रहा है। मेरे घर के पास? मेरे घर के पास? भाई वो तो आपके घर में जा रहा है। भाई अबे क्या बोल रहा है तू? भाई वो आपके घर के अंदर ही जा रहा है। भाई आने दे उसे, यही उसे जिंदा चला। अबे तेज चला, तेज। तेरी तो छोड़ेंगे नहीं यार। Oh, my God.
काम करने के लिए चेन्नई आया था और गुंडा बन गया। मैं तो गुंडा बनने के लिए यहाँ आया था। मुझसे दुश्मनी मत कर। और भाई की बेटी को उठाकर ले गया, उसको तो आज छोड़ेंगे नहीं। सब लोग निकलो, चलो रे। भाई, भाई कहाँ है? भाई, ये क्या भाई? आप एक बार मुझे फोन नहीं कर सकते थे? ए, तुम्हारे रहते लड़की को उठा के ले गया भाई? क्या तुम्हें हराम का किला के पाल रहा था? किसी काम के नहीं हो तुम लोग। कलेक्टर कमिश्नर भाई के सामने हाथ जोड़ के बात करते हैं, भाई की बदनामी है। इनका दूसरा परिवार भी है क्या? मुझे नहीं पता था। ये सब जरूरी नहीं है, तू भी तो वैसा ही है। चल चुपचाप बैठ। कमिश्नर तो आया नहीं, फोन लगा उसे, मैं बात करता हूँ। ए, चेहरा तो देख, अगर हमने इसको छोड़ दिया ना तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगा। भाई की कितनी बदनामी होगी पता है? उसको बुलाकर पूछताछ करते हैं। ए बेवकूफ, चुप कर। तू उसको बुलाकर पूछेगा, अगर हम बात करेंगे ना तो उसका डर निकल जाएगा। ए संतानम, क्या ये सब? हमारे टुकड़ों में पलता था वो लड़का। सारी गलती मेरी है, सुबह ही खत्म कर देना चाहिए था। तरस आ गया उस पे मुझे, मेरी आंखों में धूल झोंका उसने। भाई, एक घंटे में आपकी बेटी आपके सामने होगी। मुझे अभी मेरी बेटी नहीं चाहिए, बल्कि उस गद्दार की लाश चाहिए। अभी तुम रो क्यों रही हो? मैंने जो किया उसमें क्या गलत है? तुम्हें पसंद नहीं आया? मेरी बात सुनो, जब बस स्टैंड पर वो मुझे मारने आया था, तब मैं पहली बार डर कर भाग कर आया था। तुम्हारे लिए आया, तुमसे मिलने के लिए आया। अगर पसंद नहीं है तो बोल दो, तुम्हें वहीं ले जाकर छोड़ दूं। नहीं।
जब मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुमने मुझे अपने बारे में सब बता दिया, लेकिन मैंने पापा के बारे में तुमसे छुपाया। ऐसा मत सोचना प्लीज, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बस इतना पता है कि मेरे पापा का यहाँ कोई दूसरा परिवार है, 15 सालों से कोई रिश्ता नहीं, वो बस पैसे भेजते हैं। इसके अलावा मेरी माँ ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, ना ना मैंने कभी पूछा। प्लीज मेरा विश्वास करो। मैं लड़की को लेकर आया तो कहीं और जाना चाहिए था ना, यहां लेकर क्यों आया? किस पे हाथ डाला है पता है तुझे? हाँ, उसे पता चल गया तू यहां है तो क्या होगा पता है? टुकड़े कर देगा तेरे वो। चल जा यहां से, जा यहां से। नहीं जाऊंगा। क्या नहीं? यहां क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस बात से अनजान खड़ी है यहां पे। तेरे बोलते ही तेरे साथ आ गई। अरे इसके लिए जाना तू यहां से। कहां जाऊं मैं बताइए ना। अरे कहीं भी जाना। उन लोगों से डर कर भागने के लिए कह रहे हो क्या? तुझे जीने के लिए कह रहा हूं, छुपने के लिए नहीं। जल्दी। अरे बाप रे, वो लोग आ गए। अब क्या करूं मैं? कब से बोल रहा हूँ चला जा चला जा, सुना नहीं तूने? कमीना, देख आ गए ना वो सब। अब क्या करेगा बोल, कैसे बचेगा उनके हाथों? अपनी बिरादरी में काटना, मारना, खून करना, यही सब होता है, सिर्फ यही सब। जा, अरे जा यहाँ से। जया, कुछ करना पड़ेगा, क्या करें? वो लोग ऊपर आ जाएंगे, रोकना होगा उनको। वो ऊपर आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। जया, जया प्लीज कुछ करो, जया प्लीज। प्रमिला दीदी, पानी का टैंकर आ गया। पानी आ गया? पानी क्या? आ गया क्या? हाँ दीदी, पानी आ गया है। हाँ, आवाज लगा रहा है। हांडी निकाल लो आप। दीदी दीदी, पानी आ गया, पानी आ गया दीदी। अरे पानी आ गया, चलो जल्दी चलो चलो। अरे तुम्हारा नंबर आ गया। अरे चलो पानी लेने चलो। बर्तन ले क्या? चलो 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 तू यहाँ कैसे आया? पहले मैं ही यहाँ आया, जाके पकड़ उसको। चलो ठोठी जा, माले के पीछे रस्सी लटका के भाग गया वो, पकड़ उसको जल्दी। चलो तेरी तो किधर गया? कहाँ गया? छोड़ छोड़ नहीं चाहिए, जा रहे ढूंढ उसे। हाँ पकड़, करो भाग गया। कहाँ जाएगा? कहाँ जाना है? भाई ये बस कहाँ जा रही है? महाबलीपुरम। ठीक है, 2 टिकट देना। हाँ ठीक है, 45 रुपए दो। महाबलीपुरम में किसी को जानते हो क्या? तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं जानता।
सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो इस बात का डर लग रहा है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अब डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, हमारे सर के बाल सफेद हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं मरूंगा, समझी? अब डरो मत, हिम्मत रखो। भाई गजा भाई नहीं है। ए, उसका ही फोन था ना? वो अपना फोन वाइन शॉप में ही भूल कर चले गए भाई। ए, मैं संतानम बोल रहा हूँ। हाँ। गजा के आते ही बोल मुझे कॉल करें। बहुत हाँ। आपका नाम संतानम है ना? ठीक है भाई, मैं पक्का बता दूंगा भाई। चार्ज भी खत्म हो गया यार। भूख लगी है जया। ये ले, बच्चे को पकड़। अरे रे 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 रे, मेरा बच्चा। माँ का कहना मानो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ये लो। हेलो, मैंने जो काम के लिए बोला था उसे क्या हुआ? ठीक है, जल्दी से मेरा काम होना चाहिए, समझे ना? ए, गजा, अपना मोबाइल फोन वाइन शॉप पे रखा था, वहीं भूल गया तू। मैंने जो मांगा था वो सब है ना? ठीक है, ले क्या, गाड़ी निकाल रहे, निकाल। चल हट जा, जा। मेहनत करके जो खाते हैं उनके शरीर में लगता है, इस तरह गुंडागर्दी करके जो खाएंगे तो इन्हें अच्छा कहां से लगेगा। गुंडे लोग हैं सर, इनका रोज का ऐसा ही है, फोकट में चीजें लेकर जाते हैं, पैसा नहीं देते। यह भी कोई बात हुई क्या? थू, मेहनत करके जो 100 रुपया कमाता है बीवी बच्चों के साथ सुखी रहता है, पर ये गुंडे हमेशा डर कर भागते ही रहते हैं, या फिर पुलिस की गोली से मर जाते हैं, या आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये सोच रहे हो सर? मेरी बद्दुआ है सर, मेहनत का पैसा ऐसे लेकर जाते हैं वो लोग। आपको क्या लगता है ये लोग सुखी रहेंगे? सोच रहे हो? 100 रुपए कमाने का क्या रास्ता है, यही सोच रहा हूं। तुम मेहनत करके 100 रुपए कमाने की सोच रहे हो? इतना ही काफी है जया, इसके 100 रास्ते निकल आएंगे। ये बात आज तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखा, लोग कहते हैं ना, छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल देती है। ये बात आज सच हो गई। अच्छा, पौंडीचेरी यहाँ से कितनी दूर है? पौंडीचेरी में मेरी एक फ्रेंड है, वो टीचर की नौकरी करती है, मैं उससे बोल दूंगी, फिर तुम्हारे लिए एक नौकरी मिल जाएगी, मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे, मुझे पूरा यकीन है। पास में कोई एसटीडी बूथ ढूंढती हूँ,
और अभी उसे फोन करती हूँ। संतानम गजा बात कर रहा हूँ, क्या बात है, फोन किया था? अरे कहाँ चला गया था तू? फोन वाइन शॉप में भूल गया, चार्ज भी नहीं था, इसलिए स्टडी बूथ से फोन कर रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ सुन। हाँ अब तो ठोटी जया ना, ठीक है, चिरताने की बेटी को लेकर भाग गया है। ऐसा क्या, ये आप क्या बोल रहे हो भाई, अपना थोटी जया? हाँ रे भाई, चीना थाने की बेटी को? हाँ रे, उन दोनों को। हाँ तेरे एरिया में आएंगे ना? ठीक है, छोड़ दूंगा तूने, टेंशन मत लो, संभाल लूंगा। तू उनके बारे में जानता है, तू अब उसकी फिक्र मत कर। वृंदा तुम फोन करो, तब तक मैं पांडिचेरी के लिए कोई बस क्या देखता हूँ, अगर नहीं मिली तो कोई कॉल टैक्सी ले लेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, रखता हूँ फोन। ए अपना थोटी जया है ना, चीना ताना के घर की इज्जत पे हाथ डाला है, देख क्या रहे हो तुम लोग, वो उनकी बेटी को लेके भाग गया। संतानम को शक है कि हमारे एरिया में है वो, हर गली चौराहे में ढूंढा है उसको, रात में चाहे जितना पी लो, हर गली चौराहे कोने में ढूंढो उसको। उस थोटी जया को पार्सल करके चीना ताना के घर पार्सल करना है, जहाँ कहीं भी वो छुपा हो ढूंढ के निकालेंगे उसको। ये बिल क्या चाहिए, पैसे चाहिए क्या? नहीं 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 कोई बात नहीं। ये लड़की कौन है? ये फोन करने आई है, फोन करने आई है। ए, 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 लड़के रुक रुक रुक, ए रुक, ए पकड़ो ना उसे, ए, ए रुक, हाँ भागेगी, ए पकड़ो उसे, भाग रही हो। ए, 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 चाचू, ए, ए, पकड़ो, ए, ए, ए रुक रहे, ए छोड़ेंगे नहीं, ए, चल, ए, प्लीज मुझे जाने दो। ए चीना थाने की बेटी, थोटी जया तू मेरे बारे में जानता ना, काटने वाला गजा, काटना मतलब या नहीं रे, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, सिर्फ इस एरिया में नहीं, जहां भी जाएगा, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तू कहीं भी जा, बच के नहीं निकल सकता मेरे हाथों से, ये मेरा इलाका है रे, एक मिनट के अंदर गाड़ी में बैठ जा। वही एक मिनट का टाइम मैं तुझे देता हूं, अपने आदमियों को लेकर यहां से चुपचाप निकल। अबे देखो, अबे देखो रे देखो, ये मुझे धमकी दे रहा है। मुझे मारेगा, मार 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 ना मार इसे मार 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 Oh!
चुपचाप। जय खून मेरा। गाड़ी में बैठो बोला ना। नहीं लेकिन वो गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा हूँ। चलो हे भगवान, चलो हॉस्पिटल चलो, चलो जल्दी। लड़ो खून बह रहा है। तुम रो मत, उसने हल्के से चाकू घुसाया है, एकदम जोर से नहीं घुसाया। चल 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 चल। गाड़ी में डीजल नहीं है। अरे अब क्या करेंगे हम? तेज चला भाई, तेज चला। शाम होते भाई, दो मिनट में पहुंच जाएंगे। बस देखो भाई, पहुंच गया। रुक रुक। अरे अरे गाड़ी तो खाली है। तू क्यों नीचे आए बे? हाँ जया, जया संभल कर, संभल कर। देखो जया, जया अरे इन खूबसूरत वादियों में दो प्यार करने वाले आए हैं, एक के चेहरे पे शर्म हया, दूसरे पे लाली छाई है। वाह वाह वाह, क्या बात है, अरे कमाल कर दिया। ये लोग अपने टूटे दिल की दास्तान बता रहे हैं और तू लोग गाना बना रहे हो। इनकी कहानी नई लग रही है। इनका प्यार, ये कौन है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करती है, ये सब नहीं देखते हैं। पसंद है यार, पसंद है, सच है। रो क्यों रही हो बेटी? तुम यहाँ आ गई हो ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिक्र मत करो। हम सब है ना, तुम्हारी शादी इस लड़के से होना ही लिखा है। तुम कन्याकुमारी में पैदा हुई हो और इसने चेन्नई में जन्म लिया है। कोलकाता में तुम्हारी पहचान हुई है। सब कुछ अच्छा होगा बेटी। चाकू लगी है, दवा लगा दिया है, वो घाव ना अच्छी तरह से सूखना चाहिए। अब तुम अंदर जाकर सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। खूबसूरत वादियों में चलो बढ़िया से हो गया उसका। हां बढ़िया गाता है। चलो चलिए से शर्म आया। चलो चलो लाली छाई है। चलो चलो चलो। जया, वृंदा को इस दस्ते भेज दे। अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो पूरा समुद्र लाल हो जाएगा। हाय! नहीं, नहीं, उन लोगों को कुछ मत करना, कुछ मत करना। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। भाई, हाँ? इसे खत्म कर देते हैं। हाय! हाँ? खत्म कर दे उसे। है? ए, लड़की मिल गई ना, चलो सब चुपचाप से। हर वक्त मारने काटने की बात करते हैं। चलो सब वृंदा जा, जल्दी जा, गाड़ी में बैठ, चल गाड़ी में बैठ, जल्दी कर, जल्दी कर, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चल हट हट यहाँ से।
भाई क्या हुआ? छोड़ जा, उस तरफ जा रहा है भाई। ए, जाओ पकड़ो उसे। मैं यहाँ पर कोई लफड़ा करने नहीं आया हूँ। बोला ना लफड़ा करने नहीं आया हो। मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। मैं तुमसे बात करने आया हूँ नागो। मैं तुमसे बात करके यहाँ से चला जाऊंगा। फिर से कह रहा हूँ बात करने आया हूँ, लड़ने नहीं। इनको रोकने के लिए बोल दो नागो। छोड़ दे उसे। मैं छोटा था तब से तू मुझे जानता है। मारेगा, पैसा मिलेगा तो पिएगा, बस इतना ही। कल से किसी से मुस्कुराकर बात नहीं की। लेकिन वृंदा के मामले में मैं ऐसा नहीं रह सकता। वृंदा, कन्याकुमारी, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। वहां पर जो था वो हर पल मेरे लिए नया था। अब तक जो जिंदगी जी रहा था वो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो जिंदगी जीने वाला हूं वही मेरी जिंदगी है, और वृंदा के साथ ही। ठीक है, मैं इतने साल आपके साथ था, लेकिन बिना सोचे समझे आपने मुझे मारने को बोला, इसलिए गुस्से में मैंने ऐसा बर्ताव कर दिया, और आज मैं ऐसा बन गया हूं कि किसी को मारो या फिर मर जाओ। आज ये बहुत बड़ा खेल बन गया। वैसे मैं यहां किसी से लड़ने नहीं आया हूं। एक वो करेंगे बदले में मैं एक करूंगा, वापस वो एक करेंगे, और इस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ बदला लेने का खेल खेलते रहेंगे। क्या यही जिंदगी है क्या? मैं ये जगह छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहता हूं, और वृंदा के साथ खुशी खुशी जीना चाहता हूं। और यह तभी होगा जब चीना ताना शांति से रहेगा। चीना ताना को शांति से रहने के लिए बोल दो, वो शांत रहेगा तो सब ठीक है। यहां तक तो मैंने किया ना, अब तो मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। संतानम, मैं नागू बोल रहा हूं। भाई कहाँ है पता करके मुझे बताओ, उनसे मिलना है। पंचायत करने आया है तू? कैसी बात कर रहे हैं भाई, 15 सालों से थोटी जया अपने साथ काम कर रहा है, उसे माफ कर दीजिए और अपने साथ रख लीजिए। किसके सामने आकर क्या बात कर रहा है तू? मार डालूंगा तुझे। कल को तू कहेगा कि मैं अपनी बेटी की शादी थोटी जया से करवा दूं तो करवा दूंगा। क्या उसके बाद क्या होगा पता है? मेरे बारे में तुम ही लोग बात करोगे कि मैंने डर कर अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी, और थूकोगे मुझ पर। फिर पता है क्या होगा? कहोगे चीना ताना के पास जाने से बेहतर है थोटी जया के पास जाएं हम लोग। तू चाहता है मैं घुटने पर बैठ जाऊं क्या? यही चाहता है? हे नागू, पान का डिब्बा और चाय देकर कोने में बैठने की बात कर रहा है क्या? ये नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चीना ताना ही रहेगा, मरते दम तक मैं चीना ताना ही रहूंगा। समझ गया तू? हम निकल यहां से जाओ। ए संतान भाई, नागू यहां उसकी तरफदारी करने आया था। मेरे लोगों में जो मेरे लिए डर था वो खत्म हो गया क्या? मेरा जो डर था वो चला गया क्या? ये नहीं होना चाहिए। देखा तूने भाई, कल सुबह। ए चुप रहो, अभी बिल्कुल चुप रहो। मैंने तुझे क्या करने के लिए कहा और तूने क्या किया? खत्म करके आने के लिए कहा था और तूने क्या किया? मेरी बेटी को लाकर खड़ा कर दिया यहाँ। हैं? तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरे दिल में डर आ गया है, कुछ नहीं होगा। तू जा यहाँ से, जा जा। अब मैं दिखाता हूँ उसे, उसको कैसे खत्म करना है। मैं अब उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। भाई से मैंने बात कर लिया, मुझे नहीं लगता उनका मन बदलेगा। उन्हें गलत फहमी हो गई है कि तू उनके खिलाफ हो गया है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ बोल। हाँ हाँ, कहाँ, कब? हाँ ठीक है, चीना ताना ने तेरी मौत फाइनल कर दी है। मदुरई से लोगों को बुलाया है, और तुझे पता है संता नाम तेरी पहचान के लिए उनके साथ घूम रहा है। अभी रवि ने फोन पे बताया मुझे, तू जरा संभल के रहना। वो लोग कहां पर रुके हैं? होटल डीसी मेनन में वो लोग ठहरे हुए हैं।
यार संतानम एक नंबर का डरपोक लग रहा है। आदमी को दिखाने की बात कहकर पूरा शहर घुमा रहा है। अगर उसे जल्दी से दिखा देता हूँ उसे खत्म करके गांव निकल जाते ना यार। संतानम कब आ रहा है? फोन तो किया था भाई इसने। क्या बोला उसने? कल सुबह ही आ जाएगा। सर एक बियर देना। ओके सर। ए हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं और तुम लोग यहाँ बैठ के पार्टी एंजॉय कर रहे हो। अरे शांति रख यार, वैसे भी कल सुबह संतानम उस आदमी को दिखा देगा, उससे वही खत्म करके निकल लेंगे ना। नहीं होगा। हे हे कौन है तू? तू छोटी जया को पहचानता है क्या? हाँ पहचानता। जानता है कहाँ है वो? बता वरना तेरी गर्दन दबोच दूंगा मैं। अभी वो यहीं पर आएगा। पर आएगा? आएगा आएगा तो वो मरेगा, नहीं तो तू। तेरा आदमी बहुत बड़ी तोप है क्या? ए अरे यार इसे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया कि तुझे मैंने पूछा कि वो बहुत बड़ी तोप है क्या? ए पूछ रहा है ना है, तेरी तो बताना। मजनू कोई और है, ये थट्टी जया अलग है। वो बस एक ही लड़की को जानता है, वो है वृंदा। वो उस लड़की से प्यार करता है पता है? वो हमें भी पता है समझा। वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करती है। प्यार करती है इसका मतलब तुरंत शादी करवा देंगे? शादी करवा देंगे तो गलत क्या है? थोड़ी जया वो कौन है? तुम जैसे भाड़े के टट्टुओं को क्यों चाहिए ये प्यार और शादी? मैंने एक बार पूछा ना कि तुम जैसे भाड़े के टट्टुओं को क्यों चाहिए ये प्यार और शादी? हम चुपे से ज्यादा बोल रहा है क्या? मारा जाएगा समझा? गुंडे और चोरों को शादी नहीं करनी चाहिए क्या? ये बोलने वाला तू कौन होता है? अबे चीना ताना ये बोल रहा है थोटी जाया के बारे में। अगर उसने बोला तो इसका मतलब तूने भी बोला। थोटी जाया भी तुम्हारी बिरादरी का ही है ना? चीना ताना ने बोला और तुम लोग पैसे लेकर सीधे उसको मारने के लिए आ गए क्या? अरे ये लोग ऐसे ही है यार, इसी तरह पता है नेलिये पट्टे पांडे की बेटी मुझसे प्यार करती थी, इसी बात को लेकर बेवजह मेरे प्यार को मिटा दिया। उसी दिन से मैंने पीना शुरू किया था, उसी दिन से मैं इसे पी रहा हूँ मेरे भाई। नशेड़ी बन गया हूँ उसकी याद में। टोटी जय अगर गुंडा है तो चीना ताना शहर के कोई कलेक्टर है क्या? वही रे, ये खाली मूंग है तो ये मॉनिटर है। चीना ताना को बोलो हम उसके साथ नहीं है अब। ठीक है, थोड़ी जया को हम सपोर्ट करेंगे। वो सब ठीक है अगर वो यहाँ आ गया तो ओके, लेकिन अगर वो कहीं और छिपा होगा तो। थोटी जया किसी से डर कर छुपने वालों में से बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो खुद सामने आकर खड़ा होने वाला है। मतलब बातों में अपनी बात मनवाना इसी को कहते हैं क्या? जिस नदी में पानी नहीं है उस नदी में हम लोग मछली पकड़ने वालों में से हैं, और तू हम लोगों से खेल रहा है? थोड़ी जया तू एकदम कमाल का आदमी है। तुमने तो हमें बेवकूफ बना दिया। ए, रुक जा रे, अभी ये नया दूल्हा है, नई चाल चलेगा। हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी मैरिज। क्या कह रहा है भाई? मदद के लिए आए हुए टोटी जया से हाथ मिला लिया। अमीर भाई को पैसे लौटा कर वो लोग वापस चले गए। ए गाड़ी निकाल चल। भाई भाई अब ठीक है ना? भाई भाई कौन है? अरे कौन है? कौन है? कौन है? भाई भाई आप ठीक है ना? भाई आप कुछ जाके देख रहे कौन हेलो थोटी जया, क्या हुआ? मौत का खौफ हो रहा है क्या? हाथ पैर भी कांप रहे हैं। अगर मुझे कार उड़ानी आती है तो
उस कार में अगर तू बैठा होता तो तुझे उड़ाने में मुझे कितना टाइम लगता। तुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुझे पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये किया। तू मुझे मारने के लिए तड़प रहा है ना, लेकिन मैंने अभी तक तुझे मारने के लिए सोचा ही नहीं। मारने का फैसला कर लो तो कोई भी किसी को भी कहीं पर भी मार सकता है। यहां पर मैं बड़ा हूं या तू, ये कोई मायने नहीं रखता है। यहां बड़े बड़े अमीर लोगों के चिथड़े चिथड़े हो चुके हैं, तो तू और मैं तो एक धूल के बराबर है। तेरी मेरी कोई औकात नहीं है। जीना ताना, मैं वृंदा के साथ खुशी खुशी जीना चाहता हूं। हमको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। तुम लोगों को पता है उस समय मेरा क्या होता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैंने इन्हीं आंखों से अपनी मौत को देखा, मौत मुझे छूकर निकल गई। और अब तक तुम लोग क्या करते, मुझे कंधे पर उठाकर जला चुके होते। मेरी कार में बम है, मेरी कार में बम, कैसे हुआ ये हा? बोलो, हे तू है क्या? बोलो बोलो, किस पर करूं, किस पर? तू है क्या? तू है बोलना, किस पर शक करूं मैं? वो चाहता तो मुझे कब का खत्म कर चुका होता। जीना ताना हार गया, जीना ताना हार गया, जीना ताना हार गया क्या? चुपचाप ये तो बोला क्या? वो आपकी बेटी से प्यार करता है, आप उसे जो भी कहेंगे वो मानेगा, इसीलिए। इसीलिए क्या? कॉम्प्रोमाइज। एक लफ्ज भी बोला ना, ज़बान काट दूंगा तेरी। hey, hey! अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो भाग जाओ यहां से। थोड़ी जया को मरना होगा, बताओ क्या करना है। मदुरई से जो लोग आए थे वो वापस चले गए भाई, वो तो खत्म हो गया, आगे क्या, आगे क्या? उसको कहां मारे की दर्द होगा? उसका अपना कोई नहीं है भाई, उसके लिए आपकी बेटी ही उसकी ताकत और कमजोरी सब कुछ है। तो मेरी बेटी को खत्म कर दो। आपकी बेटी को? जो बोला वो करो। जल्दी 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 करो, जल्दी करो।
उधर दे छोटी दिया के घर गई है, जल्दी चल 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 जया 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 ठीक है छोड़ मैं देख लेता हूं। वृंदा जया, जया। वृंदा क्या हुआ जया, मेरे पापा तुमसे क्या हुआ? तुमसे बदला लेने के लिए आदमी आदमियों को भेज रहे। अरे क्या हुआ ठीक से बोलो ना। मेरे पापा ने तुमसे बदला लेने के लिए आदमियों को भेजा है ताकि वो लोग मुझे मार दे। वो लोग आ रहे हैं जया, मुझे डर लग रहा है। चलो मेरे साथ। जया, जया, नहीं। देखता हूँ तुम्हें कौन हाथ लगाता है। नहीं रे जया, चल इसको मार के दिखा। मार मारना, मार के दिखा, मारना इसको। चल मार। छूकर दिखा, छूकर दिखा, हिम्मत है तो छूकर दिखा। छूना इसको। आजा, आजा, हो जाओ ना। जया, जया, जया जाने दो जया। मार, मार, चल मार के दिखा। मारना, अरे मर जा तो मारना। क्या हाँ वृंदा को मारने वाला है क्या? मार उसे। मेरी वृंदा को मारेगा तू? मारना। वजह से इसको मारना चाहते हो? अभी खत्म करके दिखाओ। बेटी को मारने की सोच रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ रे,
मेरे सर पर खून सवार है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी परवरिश में पला बड़ा था। हाँ, तुझे मैंने ही पाला था, फिर तू मेरे खिलाफ क्यों खड़ा है? अगर तूने मुझसे माफी मांग ली होती तो मैं तुझे छोड़ देता, पर तूने ऐसा नहीं किया बल्कि मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। अब तू नहीं बचेगा। मैं जीने के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, समझा? सिर्फ वृंदा के लिए। कहीं मैं वृंदा को खोना दूं? इस डर से मैंने तुझ पर हाथ उठाया। कसम से तेरे खिलाफ खड़े होने की मैंने कभी सोची भी नहीं। गलत है तो बोल दे, मैं तेरे पैर पर गिर जाऊंगा। तेरे पैर भी पकड़ लिया मैंने, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जा, मेहरबानी करके छोड़ दे। तेरे सामने मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मुझे और वृंदा को छोड़ दे। वो समय बीत चुका है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तुझे लग रहा है कि तू मुझसे नहीं बचेगा, तब तू मेरे पैरों पे गिर रहा है। आना, आ मुझसे लड़। अगर मर्द का बच्चा है तो आ मुझसे लड़, वरना अपनी जान गवा। आना लौटी जयो मेरे दुश्मन। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। देख, आज तक ना मैं कभी हंसा हूं और ना ही कभी रोया हूं। आज मुझे इन दोनों का अर्थ समझ में आया। अब मैं चैन से जीना चाहता हूं। मुझे जीने दे, जीने दे, मुझे जीने दे। तेरी वजह से मेरा सुख, चैन, संतोष सब कुछ मुझसे दूर चला गया। तू मरेगा तभी मुझे चैन मिलेगा। मैं तुझे समझा रहा हूं, समझ नहीं रहा है? देख, हमने शादी और बच्चे और बहुत आगे के सपने देख लिए हैं। हम लोग यहाँ से किसी दूसरे देश चले जाएंगे, ये सब छोड़कर हम जीना चाहते हैं। हमें जीने दे, जीना था ना, हमें छोड़ दे। आज अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो सब कहेंगे कि मैं तुझसे हार गया। माफ कर दिया तो सभी कहेंगे कि मैं डर गया। अगर ये चीना था ना तुझे माफ करके छोड़ भी देगा ना, तो तू जिंदा है ये सोच मुझे तिल तिल करके खत्म कर देगी, और मैं जीते जी नहीं मरना चाहता। ए, तेरा ये जन्म खत्म हो गया। अब तू अपनी सारी ख्वाहिशें अगले जन्म के लिए रख ले। तेरी उम्र यहीं पे खत्म। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे
मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तुझसे इतनी बार बोला फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू पागल हो गया है क्या? क्या है? देखा तूने, तूने बोला था खून खराबा मार पीट बस यही हमारी तकदीर है, देख देखना वही हो गया। मैंने मना किया, खिड़खिड़ाया, लेकिन क्या फायदा हुआ? अभी तू तो मर ही गया ना, और मेरी जिंदगी में तूने हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया, अंधेरा कर दिया। बेचारी वृंदा, वृंदा विक्टर, इसने मुझसे प्यार करने का पाप किया और इसकी जिंदगी खराब हो गई। कमीना, कमीना ही है, तेरी वजह से सबकी जिंदगी खराब हो गई, खराब हो गई, सब कुछ चला गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नहीं जया, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, तो जैसा चाहता है जी सकता है। पुलिस के आने के पहले वो तलवार मेरे हाथ में दे और चला जा। क्या देख रहा है तू? वृंदा को कहीं और लेकर चला जा। तलवार मुझे दे जया, सोच मत, मैं अंदर रहूं या बाहर क्या फर्क पड़ता है मुझे, मैं अपनी जिंदगी जीत चुका हूं। क्या चाहिए मुझे? पेट भरने के लिए खाना और पीने के लिए पानी, वो तो मुझे वहां मिल जाएगा। मुझे कोई तमन्ना नहीं है, मैं खत्म हो चुका हूँ, कचरा हूँ, रिटायर्ड हूँ। तेरे पास उम्र है जया, तू वृंदा के साथ अपनी जिंदगी जैसा चाहता है जी सकता है, जा। जो कहानी तेरी मौत से खत्म होनी थी वो इसकी मौत से खत्म हो जाने दे। आज से तू एक ऐसी जिंदगी जिएगा जिसका तेरे अतीत से कोई संबंध नहीं है। क्या हमारे भाग्य में जीवन भर सिर्फ खून खराबा ही लिखा है क्या? नहीं ना, तलवार मुझे दे। सोच क्या रहा है, दे ना तलवार। पलट कर मत देखना अब, तू जा, भूल जा, यहां तेरी कोई जिंदगी थी, जा। क्या यार, वो तो हमारे साथ ही था ना, उसकी जीने की ख्वाहिश है, जीने दे उसे।